CSIR NET December 2017 booklet B section C question number 113। ये क्वेश्चन बैक्टीरियल जेनेटिक्स और उसी के साथ रिलेटेड कैलकुलेशंस को लेकर के है। जेनेटिक्स की एक काफी बड़ी किताब है, करीब 1200-1300 पन्ने के आसपास अगर मुझे कोई इंटरनेशनल राइटर की किताब पढ़नी है। और उसमें से एक चैप्टर है जो बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में बात करता है। आई फ्लाई में हम लोग उस एक चैप्टर में से सिर्फ वो पार्ट कवर करते हैं जो पार्ट हमारे नेट के एग्जाम में सबसे कॉमनली आता है और नियरली हर एग्जाम में देखने को मिलता है। उस चैप्टर को करते हुए हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग बैक्टीरियल जेनेटिक्स में क्रोमोसोम की मैपिंग को लेकर के हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है, केवल प्लस एंड माइनस और थोड़ी सी अकलमंदी। उस बुकलेट को करते हुए हम लोग एक टैक्टिक सीखते हैं जो काफी शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीका है उस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। और उस टैक्टिक की हेल्प से हम बाकी और क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हैं जो क्वेश्चन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से रिलेटेड है या फिर ऐसे क्वेश्चन है जो किसी सब्जेक्ट में बांध ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 113। द फॉलोइंग टेबल शोज मैपिंग डाटा फ्रॉम 3 इंटरप्ट मेटिंग एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग 3 डिफरेंट एचएफआर स्ट्रेन्स एंड एफ नेगेटिव स्ट्रेन। जिन बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड होता है वो अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में डाल सकते हैं कंजुगेशन के। जो सेल ये काम कर सकती है उसे हम एचएफआर कहते हैं और जिस सेल के पास एफ प्लाज्मिड नहीं होता उसे हम कहते हैं एफ नेगेटिव। आमतौर पर ये एक्सपेरिमेंट हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं और ये कम्प्लीमेंटेशन के साथ भी आता है। और जो बैक्टीरियल जेनेटिक्स के अंदर हम लोग बात करते हैं कि जीन का ट्रांसफ़र, हम उसका जिक्र करते हैं इसमें। और हम लोग आमतौर पर जीन मैपिंग के लिए ये स्टोरी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग आई फ्लाई के लिए जो सिलेबस अपना पढ़ते हैं उसके अंदर हम लोग इन क्वेश्चन को करते हैं। और क्योंकि हमें पता रहता है कि भाई ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है, या तो प्लस माइनस करके या मिनट्स के साथ। ये मिनट्स टाइम को इंडिकेट कर रहे होते हैं कितनी देर लगी जीन को जाने में। तो इंडीड अगर मैं इसी की बात करूं और इस टाइम के बेस पर डाटा इकट्ठा करने की कोशिश करूं तो हम लोग कर सकते हैं कि ये टाइम इंडिकेट कर रहा होता है कि कंजुगेशन के कितने मिनट के अंदर कौन सी जीन गई। तो जैसे मैं HFR1 की बात करूं तो HFR1 वाले केस में जहां भी ये प्लाज्मिड जीनोम में जोड़ा होगा तो वहां से जो जीन उठाई है इसने विद इन 6 मिनट, इसने पहले 6 मिनट के अंदर जो जीन ले गया है वो है ई। फिर उसके बाद 24वें मिनट तक पहुंचते उसने जीन एफ भी पहुंचा दी है। 34th मिनट तक पहुंचते हुए जीन सी भी दूसरे बैक्टीरिया को दे दी है। 49 मिनट तक पहुंचते हुए उसने जीन डी भेज दी है और 54 मिनट तक करते करते उसने जीन बी भी इंट्रोड्यूस कर दी है। तो यहाँ छूटते मुझे इतना मालूम पड़ जाता है कि जो भी ये मेरा क्रोमोसोम है उस जीन पर मेरी जहाँ जीन है उसके बाद मेरी जीन F है, फिर मेरी C है, फिर मेरी D है और फिर मेरी B है। यहाँ तक कि इन जीन के बीच का डिस्टेंस ही मालूम पड़ जाता है। जैसे अगर तुम इन मिनट्स को रिड्यूस कर दो एक दूसरे से, बड़े वाले मिनट से छोटे वाले मिनट, 24 में से 6 गए तो मेरे पास जो है 18 मिनट है। तो E और F के बीच में 18 मिनट का डिस्टेंस है, F और C के बीच में 10 मिनट का, C और D के बीच में 15 मिनट और D और B के बीच में 15 मिनट। बैक्टीरियल जेनेटिक्स में एक इंटरप्ट मेटिंग करके एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें दो बैक्टीरिया आपस में कंजुगेट करके एक बैक्टीरिया अपने डीएनए की कॉपी बना करके दूसरे बैक्टीरिया में भेज सकता है। इंडीड होता क्या है कि जैसे बैक्टीरिया क्रोमोसोमल डीएनए है तो जो बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिन पाया जाता है वो अपने आप को उस क्रोमोसोमल डीएनए में जोड़ सकता है, तब इसे हम एचएफआर कहते हैं इस जगह को। और इसके आसपास की जो जीन्स हैं बैक्टीरिया की, वो जीन्स जब भी कभी एचएफआर यहां से निकल करके अपनी कॉपी बना करके दूसरे बैक्टीरिया में जाना चाहेगा तो वो बैक्टीरिया की भी जीन उठा लेता है। हम लोग जब भी बैक्टीरिया क्रोमोसोम्स को जीन में मैप करना चाहते हैं तो आमतौर पर हम लोग 100 मिनट के स्केल पे काम करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि बैक्टीरिया के सारे जीन्स को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाने में अगर हम HFR फ्रीक्वेंसी वाली कहानी का इस्तेमाल करें तो 100 मिनट में सारी जीन ट्रांसफर हो जाती है। तो जो पूरा क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का उसका मैप हम लोग 100 मिनट में नापते हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि ये मिनट जो है टाइम के लिए होते हैं लेकिन बैक्टीरिया क्रोमोसोम में जीन के डिस्टेंस नापने के लिए भी होते हैं। अब जो आपके पास एक्सपेरिमेंट दे रखा है, अगर मैं उस एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो उस एक्सपेरिमेंट में जो HFR1 है, HFR1 का मतलब है ये प्लाज्मिड है जिसका नाम है 1 मान लीजिए, और ये प्लाज्मिड है एफ प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में किसी जगह पर जुड़ रहा है। जहां से ये जुड़ रहा है वहां से विद इन 6 मिनट ये पहले जीन उठाता है जिस जीन का नाम है ई। अगर कंजुगेशन को रहने दूं, मैं इंटरप्ट ना करूं, तो 24 मिनट के अंदर ये एक जीन और पहुंचा सकता है जिसका नाम है एफ। कंजुगेशन को ब्रेक ना करूं, कंटिन्यू रहने दूं, तो 34 मिनट पर ये जीन ले जाएगा सी,
49 मिनट पर ये जीन ले जाएगा डी, और 54 मिनट पर ये जीन ले जाएगा बी। तो इस तरीके से मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि कौन सी जीन किसके बाद है। बट वैसे अगर मैं मिनट्स की बात करूं, जैसे सपोज करो कि अगर तुम्हारे सामने एक ट्रेन है और तुम यहां खड़े हो, तो जब ये ट्रेन तुम्हारे सामने से गुजरेगी तो तुम अपनी घड़ी में टाइम दे सकते हो। तो जैसे ही तुम्हारी ट्रेन ने सामने से गुजरना शुरू किया, तो पहले तो पहला डिब्बा गुजरेगा ना, उसके बाद दूसरा डिब्बा आएगा। तो तुम घड़ी में टाइम देख करके बता सकते हो कि भाई अगर तुमसे कोई कहे कि 3 सेकंड में डिब्बा नंबर 1 गुजरा है और 4 सेकंड में डिब्बा नंबर 5, तो बट वैसे डिब्बा नंबर 4 के बाद डिब्बा नंबर 5 है। इंडीड इस एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल हम जब क्लास में पढ़ते हैं अपने, तो हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये कैसे काम होता है। बट फिलहाल इसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है ये निकालने के लिए मैं 24 में से 6 माइनस कर दूं, तो जो मेरा टाइम बचेगा वो दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस है। जैसे 24 में से 6 माइनस करने पर मेरे पास जो डिस्टेंस बचा वो है 18। सिमिलरली अगर मैं 34 में से 20 माइनस कर दूं तो मेरे पास है 10 मिनट, और 49 में से अगर मैं 34 माइनस कर दूं तो मेरे पास है 15, और अगर मैं 54 में से 49 माइनस कर दूं तो मेरे पास है 5। अब मैं एक क्रोमोसोम पर इन जीन्स को ला सकता हूं और इनका डिस्टेंस दे सकता हूं। तो जहां भी मेरा HFR है, HFR1, उससे 6 मिनट की दूरी पर मेरी जीन है E, फिर उससे 18 मिनट की दूरी पर मेरी दूसरी जीन है जिसका नाम है F, फिर ऐसे ही C जो कि 10 मिनट की दूरी पर है, ऐसे ही D जो कि 15 मिनट की दूरी पर है, और ऐसे ही B जो कि 5 मिनट की दूरी पर है। इसी एक्सपेरिमेंट में से मैं अगर दूसरा डाटा निकाल लूं, जो मेरा सेकंड डाटा बोल रहा था वो था HFR2, 1 मिनट पे मेरी जीन बी, 6 पर डी, 21 पर सी, 31 पर एफ और 63 पर। तो यहां भी हम लोग इन दोनों के इनके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बी और डी के बीच में 5 मिनट, डी और सी के बीच में 15 मिनट, 10 मिनट और इन दोनों के बीच में है 32 मिनट। अब यहां मैप देखिए, बी कहां है हमारे मैप के ऊपर, बी यहां पर, बी के बाद जो है वो है डी। तो यानी कि पहली बात, जो मेरा HFR2 है वो इस जगह पर है और वो जो जीन लेके जा रहा है वो इस डायरेक्शन से है। तो पहली जीन उसने उठाई है बी, 5 मिनट की दूरी पर है डी, फिर है सी 15 मिनट की दूरी पर, फिर है एफ 10 मिनट की दूरी पर, फिर है मेरे पास जी, जी 32 मिनट की दूरी पर है। तो एफ में 18 और 6 तो हो ही गए थे मेरे, 18 से 24, मुझे 32 मिनट दूर लेके जाना है इससे 32 मिनट की दूरी पर। तो मेरे पास यहाँ पर मेरी जी जीन है। थर्ड एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं इनका। थर्ड एक्सपेरिमेंट में HFR है 3, तो जहाँ भी कहीं पर ये है 4 मिनट, 19 मिनट, 29 मिनट, 47 मिनट और 61 मिनट। तो 4 मिनट पर उसने जीन ट्रांसफ़र करी है डी, फिर सी ट्रांसफ़र की है, फिर ट्रांसफ़र की है उसने एफ, फिर की है ई और फिर की है उसने। इनके बीच में डिस्टेंस जो है 15 मिनट का, 15 मिनट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 मिनट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 18 मिनट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 14 मिनट। तो देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में मुझे मालूम पड़ चुका था कि ये जो डिस्टेंस है वो 32 मिनट का है। 18 और 6 24, अगर आप 32 में से माइनस कर दोगे तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये है आपका 8। अब मैच करते हैं, डी का है हमारे पास, डी है मेरे पास ये, डी से सी के बीच में 15 मिनट की दूरी है करेक्ट, सी से एफ के बीच में 10 मिनट की दूरी है करेक्ट, एफ से ई के बीच में 18 मिनट्स और ई से जी के बीच में 14 मिनट, 8 और 6 14। तो इस सब डाटा के बाद अब जो मेरे सामने नक्शा तैयार है, ये नक्शा है कि मेरे पास जीन जी है, मेरे पास ई, एफ, सी, डी और पी। E और G के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 8, E और F के बीच में जो डिस्टेंस है 14, E और F के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 18, F और C के बीच में डिस्टेंस है 10, C और D के बीच में है 15, D और B के बीच में है 5। अब इसके बेस पर हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जबकि हम लोग मैप बना चुके हैं, तो अब हम इस मैप से मैच करते हैं। The following answers are derived in the order of genes. जीन का ऑर्डर क्या हुआ? E, G, B, D. E, G, B, D, C, F. C, F. तो जीन का ऑर्डर तो A वाला ही ठीक है। डिस्टेंस कितना है? F और G.
आपका एफ यहाँ है और जी यहाँ है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 18 प्लस 14 मिला करके 32, ठीक है। बिटवीन एफ एंड बी इज 13 मिनट। एफ और बी के बीच में, एफ और बी के बीच में है 10, 25 और 5, 30, तो ये भी ठीक है। जो डी ऑप्शन कह रहा था वो है सी और ई के बीच में 28 मिनट। सी और ई के बीच में है 10 और 18, 28, ठीक है। ये तो बी और सी के बीच में 20 मिनट। बी और सी के बीच में 10 मिनट नहीं है, ये 20 मिनट का डिस्टेंस, बी और सी के बीच में 20 मिनट, तो डिस्टेंस मेरा ये भी ठीक है। ये जो ए वाला पार्ट था, बी वाला पार्ट है, सारी कहीं ऑप्शन में है भी नहीं, तो इंडियड मेरे पास ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो इसका आंसर जो है नो डाउट कि ये ए सी डी है। इस क्वेश्चन को मैंने क्योंकि आपको कंप्लीट सॉल्व करना सिखाया है इसलिए इतना टाइम लगा है, अदरवाइज जब आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए हार्डली 3 मिनट या 4 मिनट के आसपास लगते हैं। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ नहीं आती है और मेरा काम है आपको ये समझाना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्यों था। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आई है तो अपने वीडियो को पॉज करके और अपने हाथ से अपने कागज के ऊपर ड्रॉ करके एक एक बात को समझ करके कीजिएगा, तो ये अपने आप में ये कंप्लीट लेसन है कि हम लोग कैसे मैपिंग करते हैं। आपको जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो, जहां आप अटके हो कि हम लोगों ने काम कैसे किया या जो मैंने टर्म्स इस्तेमाल किए हैं, मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ इन्फॉर्मेशन। याद रखिएगा कि यहाँ जो भी हम गलती कर रहे हैं और जो भी हम चीजें देख रहे हैं, हम जितना सीखेंगे हम उतना आगे अच्छा करेंगे। तो क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपको ये लगा होगा कि शायद इसमें टाइम ज्यादा लगा, लेकिन याद रखिए अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है हम लोगों के साथ, हम लोग की स्काइप क्लास पर, व्हाट्सएप के साथ, तो इस तरह के क्वेश्चन आप इतनी बार कर चुके होते हो और इस तरह के डाटा को इतनी बार आप हैंडल कर चुके होते हो कि इस टाइम एग्जाम में इस डाटा को हैंडल करने में आपको 3 मिनट या 4 मिनट के आसपास लगते हैं, और तब मुझे ये श्योर श्योर 4 नंबर मेरे हाथ में आ जाते हैं। इस डाटा का एडवांटेज ये है, देखिए 145 क्वेश्चन हमें कभी नहीं करने होते एग्जाम में, 145 में से हमें 75 ही क्वेश्चन करने हैं, और जिसमें से जो सी सेक्शन है वो बड़ा क्लासिकल और बड़ा मजेदार सेक्शन है, उसमें से 25 ऐसे क्वेश्चन पिक करना जो मेरे काम के हों, जो आसानी से हो जाए, यही तो कलाकारी है, और ये कलाकारी हम लोग आई फ्लाई में सीखते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो हम लोग के साथ, व्हाट्सएप पर जुड़े रह सकते हो, जिस दिन भी आप हमें ज्वाइन करोगे उस दिन से लेकर के और एग्जाम के दिन तक, इंडीड एग्जाम के बाद तक भी हम लोग आपके साथ रहते हैं आपको गाइड करने के लिए हमेशा, ताकि हम लोग आपको सही रास्ता दिखा सकें कि एग्जाम कैसे करना था, क्या करना है और किस तरीके से आपका रिजल्ट आ रहा है। रूटीन क्लासेस का टाइम काफी कम है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो। हम लोग तो तैयार हैं, हम लोग तो मेहनत करने के लिए आपके लिए ही हैं। ये क्लास ज्वाइन करने का एक परफेक्ट टाइम है, इस टाइम हमने ताजी ताजी गलतियां की हैं, हम सीख सकते हैं इस टाइम, अपनी गलतियों को सही कर सकते हैं, और जब हम चोट खा के आए होते हैं तो वही टाइम बेस्ट होता है जब हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन करें। रूटीनली देखिए स्टूडेंट्स कॉमनली ये गड़बड़ भी करते हैं कि एग्जाम होने के फौरन बाद रिलैक्स हो जाते हैं, हो गया एग्जाम, और चाहे उन्हें रिजल्ट का पता हो तब भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जी हमारा रिजल्ट कैसा आने है। बट रियलिटी ये है कि एग्जाम जिस दिन हम देख के आए हैं उसी टाइम से नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। देखो एग्जाम प्रिपरेशन जब तक नहीं रुकेगी जब तक कि आपके हाथ में रिजल्ट ना आ जाए। अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे 9013902981 पर मैसेज करो, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कराता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बहुत आसान है। इंडीड आप मुझे saplingeducate@gmail.com पर भी मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, और हमेशा याद रखिए कि हम लोग आपकी लाइफ में एक ऐसे कैटलिस्ट हैं, जो काम अपने आप आपको करने में टाइम लगता है वो काम हम लोग आपको करा देते हैं। एंजाइम और हमें फर्क भी है, देखिए एंजाइम कई बार रिवर्सिबल डायरेक्शन दिखाते हैं पर हम लोग डायरेक्शनल हैं, डायरेक्शनल टुवर्ड योर सक्सेस। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो फेसबुक पर और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी के साथ, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको मालूम पड़ जाए कि नया वीडियो आ गया। थैंक यू।